हबीबपुर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हो गया। साथ ही तीन ग्रामीणों के भी घायल होने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची थी। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर एक महिला के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए पथराव कर दिया। वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा कि जमीनी विवाद शांत करने गई पुलिस पर असामाजिक तत्व के कुछ लोगों ने हमला किया था। पूर्वी चंपारण के मधुबन बाजार में दिन दहाड़े हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल इस मामले में पुलिस ने घटना में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लूटे गए 11 लाख में से 80,000 को जब्त भी किया है। आपको बता दें कि नकाबपोश अपराधियों ने 3 मार्च को सुबह करीब 8 बजे भारत फाइनेंस कंपनी से 11 लाख लूट लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने CCTV के आधार पर एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 80,000, एक कट्टा और चरस भी जब्त किया गया है। 3 तारीख को मधुबन स्थित भारत फाइनेंस के एक ब्रांच में 10,95,000 रुपए की लूट हुई थी। उसमें शामिल एक अपराधकर्मी सचिन कुमार सिंह उर्फ सोनू, जो कि डेल्हो मधुबन का निवासी है, उसको अरेस्ट किया गया है। उसकी निशानदेही पर लूट के 80,000 रुपए अभी तक बरामद किए गए हैं, साथ ही एक कट्टा, 2 गोली और वहीं का रहने वाला। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के मधुबन बाजार में दिन दहाड़े एक लूट हुई थी, जहां पर अपराधियों ने 11 लाख लूट लिए थे, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और CCTV के आधार पर वहां से एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके साथ 80,000 रुपए जब्त किए गए हैं और साथ में एक कट्टा और चरस भी जब्त किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, भारत फाइनेंस कंपनी में जो लूट हुई थी उसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, वहां से एक अपराधी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है CCTV के आधार पर। इसमें और क्या कुछ अपडेट है, इसमें और कितने अपराधी मिले हुए थे? इसमें पुलिस के द्वारा जो चिन्हित किया गया है अपराधियों को, उसमें मुजफ्फरपुर के भी अपराधी बताए जाते हैं। वैसे मैं बता दूं कि पिछले दिनों ये भारत माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 11 लाख रुपए की लूट नकाबपोशों के द्वारा कर ली गई थी और ये घटना मधुबन थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर ये हुई थी और अति व्यस्ततम इलाका है ये, जहां पे दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा 11 लाख रुपए की लूट कर ली गई। फिलहाल इसमें एक अपराधी को CCTV फुटेज के आधार पर चिन्हित करते हुए SP मोतिहारी SP नवीन चंद झा के निर्देशानुसार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अपराधी जो चिन्हित किए गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो लूट हुई, 80,000 जब्त हो गए हैं और साथ में जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है उसके साथ एक कट्टा और चरस भी बरामद किया गया है। पुलिस और उसमें जुटे सभी अपराधियों को पकड़ने की जाँच कर रही है। झारखंड के चंदवा में पुलिस निरीक्षक, जिला खनन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों की टीम ने बालू से लदे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रैक्टर मरमर नदी से बालू लेकर आ रहे थे। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर और बालू के कागजातों की जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। के चंदवा में पुलिस निरीक्षक, जिला खनन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों की टीम ने बालू से लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रैक्टर नदी से बालू लेकर आ रहे थे। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर
और बालू के कागजातों की जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी बद्री जुड़ चुके हैं। बद्री, क्या कुछ अपडेट है अब तक इस मामले में? जी, लगता है हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से टूट चुका है। हम उनके साथ बने रहेंगे इस खबर पर। बगहा में किसान अपने खेत में लगे फसल के नुकसान को लेकर काफी परेशान है। दरअसल कई एकड़ में लगे फसल को नील गायों का समूह सफाया कर जा रहा है। आपको बता दें कि सुअर, हाथी के साथ साथ अन्य जंगली जानवर जब फसल नष्ट करते हैं तब सरकार मुआवजा देती है, लेकिन नील गाय जब फसल नष्ट करती है तो कानून में मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसे लेकर पीड़ित किसान सरकार से कानून में संशोधन कर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। जंगली जानवर जो है, घुड़रोज है, नील गाय है, ये सब हम लोग को सैकड़ों बीघा के नुकसान कर देती है, तो सरकार हम लोग को कोई ध्यान नहीं देता है। सरकार उस पर ध्यान नहीं देते, किसान को बहुत क्षति होता है। कितना एकड़ नुकसान आपका हुआ? तीन। बगहा में किसान अपने खेत में लगे फसल के नुकसान को लेकर काफी परेशान है। दरअसल कई एकड़ में लगे फसल को नील गाय फसल का सफाया कर जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि सुअर, हाथी के साथ अन्य जंगली जानवर जब फसल नष्ट करते हैं तो सरकार मुआवजा देती है, लेकिन नील गाय जब फसल नष्ट करती है तो इसमें मुआवजा देने का कोई भी प्रावधान नहीं है, जिसे किसान बहुत ही ज्यादा परेशान है और मुआवजे की मांग कर रहे हैं सरकार से। तो आपको बता दें कि किसान सरकार से कानून में संशोधन कर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। नील गाय खेत में लगे फसल को नुकसान कर रही है, जिससे कई एकड़ फसल अरवल में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर में विभाग ने शिविर लगाया। इसकी जानकारी देते हुए पहलेजा पावर ग्रिड के विद्युत अभियंता हिमांशु रंजन ने बताया कि शिविर में 26 उपभोक्ताओं ने बिजली बिल मीटर और अन्य समस्याओं को लेकर आवेदन दिया था, जिसमें 9 मामलों को ऑन द स्पॉट सुलझा लिया गया। वहीं जो अन्य समस्याएं हैं उसे भी जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड कार्यालय में झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी की ओर से एक काउंसलिंग कैंप लगाया गया, जिसमें बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान कई बेरोजगार युवक और युवतियों ने रोजगार को लेकर अपना आवेदन भी जमा किया। मौके पर सेंटर हेड ने बताया कि जो लोग कैंप में नहीं आ पाए वह भी टोल फ्री नंबर से कॉल कर अपना नामांकन करा सकते हैं। तरफ से शिविर लगा गया है, बच्चों लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, काउंसलिंग हो रहा है एडमिशन के लिए। यहाँ 40 प्रकार का कोर्स के बारे में जानकारी दिया जा रहा है बच्चों को, और उसके बाद उनका फॉर्म फिलअप हो रहा है जो जिला में जाएगा, फिर जिला से इनको सूचित किया जाएगा कौन से कोर्स में इनको जाना चाहिए। अभी तक लगभग आपका 20 बच्चे करीब रजिस्ट्रेशन। सीतामढ़ी जिले में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा मामला जिले के बैरगनिया बाजार का है, जहां अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। मृत व्यक्ति की पहचान बैरगनिया के निवासी राकेश झा के रूप में हुई है, जिस पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। हालांकि मृतक राकेश झा के गांव के लोग उसे समाज सेवी बता रहे हैं, तो वहीं जेडीयू नेता विमल शुक्ला ने इस घटना को राजनीतिक रंजिश करार दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बैरगनिया में राज होटल में राकेश झा नाम के आदमी को गोली मारी गई है। आपसी पद की दंतिया की बात है। अपराधी का पता लगा कि हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। उसमें पीछे से एक आदमी खतर कर गया, वो राज होटल में घुसे
और एक रूम में घुस के रूम बंद करना चाहे तब तक बाहर से फायरिंग कर दिया। भागलपुर जिले के साकचक थाना में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। दो बच्चे की माँ अपने पति और देवर के साथ थाने में पहुंची, लेकिन उसके बाद अपने दोनों बच्चों के साथ वह अपने प्रेमी देवर के साथ रवाना हो गई। दरअसल हाल ही में महिला अपने देवर के साथ फरार हो गई थी, जिसके बाद महिला के पति ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिसिया दबाव के बाद महिला अपने ससुराल लौटी, लेकिन पति के जगह अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद करने लगी, जिसके बाद पुलिस ने भी लिखित आवेदन लेकर महिला को अपने प्रेमी देवर के साथ रवाना कर दिया। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।